सभी लोग जयकारे लगाएंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और जोर से जयकारा लगाएंगे शंकर भगवान की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनहु राघुबर बिमल जसु जो ध्याय करे फल जा। दुनिया जिसे
सजाया है। इस जमाने में कोई किसी का दीवाना होता है तो कोई किसी का ये प्रभु के दीवानों का हाल है। तू एक नगीना है, तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है, तेरी गलियों का हूँ आशिक।
ईश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वागतम गुरु के जन्म गुरुदे बोलिए शंकर भगवान की व्यास जी महाराज की
संस्कृति की अनुभूति और रसानुभूति का सीधा सीधा अर्थ होता है अनुसरण। जब तक हम किसी देवता का अभिवादन और अनुसरण नहीं करेंगे, जब तक शरणागति प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक मानव तो रहेंगे पर मानवता नहीं आएगी। मानवता का प्राप्त करने के लिए ऋषिगण मुनि महात्मा साधु सन्यासी गंगा छप्रावृति महासुदी ख्याताम प्राय लगन लगंड की इनका हमारे लिए स्पष्टीकरण अनुसरण और अनिवार्य करना पड़ता है। आइए लगातार आज हमारे शिव पुराण का पंचम दिवस है। पंचम दिवस में आपकी उपस्थिति बड़ी सुंदर है और मैं जिस दिन से यहाँ आया हूँ उसी दिन से मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोगों की कमी नहीं है। हो सकता है हमारे समय में कुछ परिवर्तन, कभी जल्दी कभी देर हो, पर इसके बाद भी आप अपनी भक्तिता का परिचय देते हुए और राह देखते हुए श्री शिव पुराण को शुरू करने की भावना प्राप्त करते हैं। आइए पहले आप थोड़ा सा भगवान का भजन कर लें,
देदीप्यमान युक्ति से ज्योति के लिए जगा करके दृष्टि के हृदय में वास करते हुए इनका अनुमात्र करें। इसके बाद में कथा श्रवण करें। बोलिए श्री उमापति महादेवी जी। Thank you.
बोलिए उमापति महादेव की जय। समाज्ञातात् नर्थवताम् प्रतिरूपम् प्रतियोगिवताम्। नैमी सारण महातीर्थ में श्री वैश्यपायन महाराज विराजमान है और यहाँ पर श्रोता जलचर थलचर लवचर ऋषि मुनि महात्मा साधु सन्यासी सब सज्जनों, शिव की कथा जो है वो अमर कथा है। अमर कथा श्रवण करने के लिए समस्त ऋषि गणमुनि महात्मा विराजमान है। समस्त ऋषियों ने अनुरोध किया। क्या अनुरोध किया महाराज? लगातार आप हमारे लिए शंकर भगवान के चरित्रों का वर्णन करते हुए श्रवण करा रहे हैं और हम उसका अनुमोदन करते जा रहे हैं। अनुमोदन का मतलब क्या होता है? अनुमोदन का मतलब होता है दो प्रकार से, एक सुनना और एक सुधारना। क्या कारण है अनुमोदन का? एक सुनना और एक सुधारना। जो हम में गलती है सुनते ही से उनके लिए सुधार ले, उसका नाम अनुमोदन है। अब लीजिए, क्यों अनुमोदन है? बड़ा सुंदर भाव लिखा है, संसार के अंदर नौ भक्ति है। रामायण में आपने पढ़ा होगा नौ भक्ति। हमारी भागवत में लिखा है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दासनम साक्ष भूत निवेदन, ये नौ भक्ति। और रामायण में अगर देखा जाए तो लिखा है नौदा भक्ति कयो तो ही पाए। अब मृत्यु लोक में जन्मा हुआ मानव नौ भक्तियों को कभी नहीं कर सकता। अगर वो चाहे कि मैं नौ भक्ति कर लूं तो नहीं कर पाएगा, पर नौ में से अगर एक भक्ति कर ले तो नौ भक्ति के बराबर हो जाता है, तर जाता है। कौन सा? श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो परम मन्ये तपोधनः। श्रवण अगर तुमने कर लिया, तुमने किसी देवता की कथा के लिए अगर सुन लिया तो तपोधनः, तप से भी अधिक फल देने वाला श्रवण करने का फल मिल जाएगा। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो परम मन्ये तपोधनः। एक व्यापारी माताएं थोड़ा हल्ला गुल्ला बंद करो, कथा सुनो, दो घंटे का केवल समय। एक व्यापारी दो मूर्ति लेके बैठा था और दोनों मूर्तियां पीतल की थी। पीतल की मूर्तियों के लिए बैठा था और एक ग्राहक पहुंचा, बोले भैया इस मूर्ति की कीमत क्या है? इस मूर्ति की कीमत 1,00,000 रुपये है। और का इस मूर्ति की कीमत क्या है? का इसकी कीमत 5 रुपये। क्या बड़ा विचित्र काम है, दोनों कितने वजन की है? का आधा आधा किलो पीतल की है। और कहा इसकी कीमत ज्यादा क्यों, इसकी कम क्यों? का बस यही बात है, 5 रुपये वाली मूर्ति उठा, इसके कान में डोरा डाल, तो जो डोरा डाला गया वो इस कान से निकल करके इस कान से आ गया। और कहा अब ये उठा 1,00,000 वाली, तो कहा इसमें डोरा डाल कान में, तो डोरा जब डाला तो सज्जनों वो इस कान से ना निकल करके भीतर की तरफ चला गया। बोलिए उमापति महादेव की जय। संसार में कीमत किसकी है? जिस कान से सुनता है इस कान से निकाल देता वो जैसिया रहा, पर सज्जनों जो अनुमोदन करता है, जो सुनकर के अपने की सुधारता है, उसके लिए लिखा गया श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो परम मन्ये तपोधनः। सबसे बड़ा धर्म श्रवण करना और सबसे बड़ा तप श्रवण करना होता है।
सज्जन बंधु वैश्य पायन महाराज बड़े अच्छे से कहते हैं कि हे मेरे भक्तों, श्रोताओं, कल आपने देदीप्यमान शिव की कथा को स्मरण किया। पार्वती जी ने महान तपस्याओं को करते हुए ठान ठान करके भगवान शंकर को पति बनाने की प्रतिज्ञा और संकल्प किया। सज्जनों, ये ठीक है। भगवान शंकर ने ये विचार कर लिया कि सती मुझे अति चाहती है और मेरे वामांग में आना चाहती है, मुझे अर्धांग योग में देना चाहती है, पर बात यह है कि मैं सती से विवाह नहीं, मैं पार्वती से विवाह नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा विवाह करने का कारण यह है कि विवाह के बाद जब पिछड़ना होता है, दूर दूर जब होना होता है, तो मुझे बड़ा संताप, बड़ा दुख होता है, इसलिए मुझे विवाह नहीं करना। ऐसा सोच करके समस्त देवताओं के समकक्ष में और अपनी समाधि को लगा लेते हैं। समाधि लगा ली, समाधिस्तो यस्तो निस्पृहा, जब मैं समाधि में निपुण हो जाऊंगा, समाधि मेरी लग जाएगी, कोई भी आके मुझे मनाएगा, पर समाधि जब मेरी खुलेगी नहीं तो मनाने वाली बात ही नहीं होगी, इसलिए समाधि लगा ली। समाधि किसको कहते हैं सज्जन? सम नाम बराबर, धी नाम बुद्धि, जो समस्त इंद्रियों को सम करके, जो बुद्धि में प्रवेश हो करके समाधिस्थ हो जाए, उसका नाम समाधि होता है। सज्जनों, समाधि लगाने का तो प्रयास हम भी करते हैं, एक घंटा पूजन करेंगे तो वो भी समाधि है। एक घंटा में क्या करेंगे? एक घंटा में सज्जन बंधु सर्व प्रकार की व्याधियों को लेके बैठेंगे, मन को विकार को दूर करते, मन को दूर करते हुए, और जब भगवान में लगन लगाएंगे तो सज्जनों, इंद्रियों में जब बंटवारा हो जाता है तो हमारा मन नहीं लगता, समाधि टूट जाती है। एक गांव में हम गए, वहां से हमने पुराण सुना। क्या सुना? एक भाई अपने बालक से कह रही है, कहा बेटा अगर तू नहीं मान रहा है, तू रो रहा है, तू जबरदस्ती अगर कर रहा है, तो आज से मैं भगवान की पूजा नहीं छोड़े देती हूँ, गोरी वृंदावन बिहारी लाल की। खाना नहीं छोड़ा, सोना नहीं छोड़ा, पहनना नहीं छोड़ा, लड़ना नहीं छोड़ा, भिड़ना नहीं छोड़ा, छोड़ा तो भगवान की पूजा नहीं छोड़ी। आज के जमाने में थोड़ा सा हम लोग कहने लगते हैं, भैया हम तो थोड़ा सा भजन कर लेते, तुलसी प्रभु के नाम को रीज भजो या खीज, हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया। पर नहीं सज्जन, स्मरणानाम कर्तव्यस्यं च देदीप्यमानाम स्वरूपता, जब तक तुम भगवान का स्मरण नहीं करोगे, जब तक देदीप्यमान जीवन में प्रज्वलित प्रकाश को नहीं फैलाओगे, जब तक तुम्हारे हृदय की दृष्टि समाहित नहीं होगी, और जब तक तुमको प्रतिफल मानव जीवन का मिल ही नहीं। क्यों? आप मानवीय जीवन में आए और मानवीय जीवन में सज्जनों 24 घंटे दिए गए हैं, 24 घंटा में 8 3 24, 8 घंटा भगवान का भजन करो, 8 घंटा शयन करो, 8 घंटा खेत के सामने के काम करो, क्योंकि आपका जो जीवन है, आपका जो शरीर है ना, वो शरीर कैसा है? का ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश। आप कहोगे कैसे माने हैं? का ये शरीर पूरा ईश्वर का अंश है, हमारे ईश्वर रूपी भगवान में कितने शब्द आते हैं? का दो, एक आता है रा और एक आता है मा। राम में दो शब्द आए कि नहीं है? थोड़ा ध्यान से सुन, जब राम में दो शब्द आए तो बाल तुम्हारे सिर के ऊपर, उनमें कितने अक्षर आए? कितने आए? दो आए। बाल में दो अक्षर, नाक में दो अक्षर, कान में दो अक्षर, आंख में दो अक्षर, हाथ में दो अक्षर, पांव में दो अक्षर। तो सज्जनों, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये शरीर जो बना है
इसमें और भगवान में अंतर कुछ नहीं है, केवल समझने की अंतर है। अगर तुम अच्छे कर्म करने लगो, परोपकार करने लगो, धर्म करने लगो, भावता करने लगो, प्रेम करने लगो, वात्सल्यता करने लगो, गले से गरीबों को लगाने लगो, तो सज्जनों वो भगवान फैल है और तुम भगवान प्रथम हो गए। हमारा वो बस ईश्वर तो कभी आता है, कब आता है जब दुख पड़ता है जब, और ये ईश्वर तो हमको साजन मिल जाता है जब हम सुख में हो चाहे दुख में हो। पर सजनों समझने की कोशिश नहीं करते। अगर भगवान ने हमको धन दे दिया है तो धन हमारे लिए ही है, दूसरे के लिए नहीं। तन दे दिया है तो हमारे लिए ही, दूसरे के लिए नहीं। पर याद रखो सजनों, वह जीवन किस काम का है। बताया गया है प्रेम कर तू ईश्वर से, तुझे रोना नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा तुझे रोना नहीं होगा। अगर ये प्रेम रूपी बंधन का संलग्न मनों के प्रति जीवन में आप संलग्न बनाए रहो तो सज्जनों हम ही तो ईश्वर हैं, हम ही तो भगवान हैं। आपने भागवत में सुना होगा, भागवत में हिरण्यकश्यपु कह रहा है कि मैं भगवान हूं। याद रखना सज्जनों, भगवान हिरण्यकश्यपु तो हो गए पर प्रहलाद ने नहीं माना कि तुम भगवान। भगवान जैसे अगर कर्म तुम में अगर होते तो तुम भगवान थे, भगवान जैसे कर्म तुम में नहीं है इसलिए तुम निशाचर हो, मूर्ख हो, दुष्ट हो, अत्याचारी विचारी हो। तो सज्जन मिलो, भगवान शंकर समाधिस्थ हो जाते हैं, समाधि में बैठ जाते हैं, और समाधि में जब बैठे तो देवता परेशान हो गए। देवता क्या है सजनों? सुर नर मुनि जन, सुर नर मुनि जन होकर के क्या करते हैं कि हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जो समाधि से भोलेनाथ जग जाए। कहा क्यों? काशी जग जाए कि भोलेनाथ जब जग जाएंगे तो उनको मनाएंगे और भोलेनाथ मानेंगे, और जब वो मान जाएंगे तो उनका पार्वती से विवाह करा देंगे, और पार्वती से जब विवाह करा देंगे तो उनकी कुक्षा से सुंदर पुत्र होगा, और जब पुत्र होगा तो क्या होगा, क्या होगा? उनकी कुक्षा से जन्म लिए हुए पुत्र से हमको सताने वाला, दुख देने वाला, निर्दयी, व्यभिचारी, अत्याचारी तारकासुर जो है उसका वध हो जाएगा। और जब जनमेऊ खटे बादन कुमार,
के साथ में पाणिग्रह संस्कार भवन पर ब्रह्मा जी कार्य जब संपन्न हो जाएगा तो जन्मा हुआ उसका जो पुत्र है वो तारकासुर जैसा का विनाश करने के बाद देवताओं को शांति दे देगा। तो मैंने पहले ये कहा था सुर नर मुनि जन की यह रीति। सजनों तीन प्रकार की रीति होती है, ध्यान रखना। एक होती है नीति, एक होती है रीति और एक होती है प्रीति। देवताओं के पास नीति है, माताओं के पास प्रीति है। नीति और रीति जो होती है सजनों क्षत्रियों में होती है। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। माताएं प्रीति छोड़ देंगी, क्षत्रिय रीति छोड़ देंगे और देवता अगर नीति छोड़ देंगे तो पर संसार में संसार का नाश ही होना पर अच्छा नहीं होगा। संसार में बुरा ही बुरा होगा। तो देवता अपनी स्वार्थ के बसी भूत सज्जनों जा करके और विचार करते हैं और भगवान शंकर को जगाते हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर को डमरू का स्वर सुनाते हैं, डमरू का स्वर। भगवान शंकर की डमरू में बड़े स्वर थे। नांदिया से डमरू बजवाई, डमरू ने क्या कहा, अयोण लड़की यो गयो छह भरत लड़े यम गड नम जबाय गड दम जग गड दस खब चटर चट तब कपाय सक्सर हल। डमरू से नहीं जगे, अब क्या करें, कहा नृत्य से जगवाए तो नृत्य किया, नृत्य से नहीं जगे। गाना सुनाया, गाना से भी नहीं जगे। सजनों आवाजें की जब भी नहीं जगे। अब जब किसी भी चीज को धारण करते हो और जग नहीं पा रहे हैं तो भोलेनाथ के लिए क्या किया, उसी समय सब देवता मिलकर के काम काम के पास पहुंचे। सज्जनों काम